मैं उषा शर्मा, मेरी किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल की कचौड़ी, और ये देखिए कितनी खस्ता क्रिस्पी बनी है। और किसी भी फेस्टिवल में, किसी भी गेस्ट के लिए आप सर्दी में बना सकते हैं। कभी भी तो तला हुआ कम खाते हैं। चलिए वीडियो में कैसे बनाई है मैंने, और देखिए स्टफिंग कितनी अच्छी बनी है। कचौड़ी बनाने के बहुत तरीके हैं। यहाँ मैंने लिया है थोड़ा सा चने का आटा लिया है, और इसका जायका बढ़ाने के लिए, और इससे थोड़ा मोयन भी हमारा कम लगेगा और खस्ता बनेगी। और ये हमारा गेहूं का आटा है। चने का आटा बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे ऑयल। जो भी आप ऑयल यूज़ करते हैं वो आप इसमें डालिएगा। और ये मैंने यहाँ पर दाल भिगोई हुई है, इसको अभी हम पीस लेंगे। इसकी हम पिट्ठी बनाएंगे। पिट्ठी की रेसिपी मैंने पहले भी अपने चैनल पर शेयर की हुई है, वहाँ जाकर भी देख सकते हैं, और थोड़ा मैं यहाँ भी आपको दिखा दूँगी। थोड़ा सा हम डालेंगे नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, और बाकी के मसाले हम दाल में डालेंगे, और इसमें सिर्फ हम नमक और मोयन डालेंगे। मोयन मैंने कम इसलिए डाला है क्योंकि एक तो आटा कचौड़ी है, और दूसरा हमारे चने का आटा है, जिससे हमारा खस्तापन और आएगा। त्योहार आ रहे हैं, आज करवा चौथ है, आज के दिन बना रही हूँ। वीडियो तो आपको बाद में मिलेगी, और अहोई अष्टमी है, और भी बहुत से त्यौहार अब सर्दियों में आएंगे। दिवाली है, भाई दूज है, गोवर्धन है, किसी भी त्यौहार पर आप बनाइए। और त्यौहार ना हो तो पूरी सर्दी आप इन चीज़ों को बना सकते हैं, इस कचौड़ी को, क्योंकि गर्मी में तो ये सब चीज़ें नहीं बनती हैं, लेकिन सर्दी में ये चीज़ें आप कभी भी बना सकते हैं। फेस्टिवल तो फेस्टिवल, बिना फेस्टिवल के भी बना सकते हैं, और किसी भी गेस्ट के आने के टाइम पर भी इन कचौड़ियों को बना सकते हैं। इनको इंस्टेंट भी बना सकते हैं। ये दाल 10 मिनट में भीग के रेडी हो जाती है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन सर्दी में टाइम थोड़ा सा लग जाता है, तो गुनगुना पानी ले सकते हैं। यहाँ तो मैंने पहले भिगोई हुई थी, बहुत जल्दी भीग जाती है, टूटी हुई दाल है। कचौड़ियों का आटा बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, और इसमें हल्का सा सॉफ्ट रखना है, ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, जैसे हमारा रोटी का आटा होता है इस तरीके से रखना है। थोड़ा सा घी का हाथ बाद में भी लगा लेंगे, ताकि ये सारी परात हमारी साफ़ हो जाए। जैसे ही हम दो तीन बूंद घी की डालते हैं तो ये सारी परात साफ़ हो जाती है। आटा गूंदने का तरीका पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ये देखो, लेकिन मैं फिर भी हर वीडियो में ये पॉइंट क्लियर कर देती हूँ। अब इसको रेस्ट होने के लिए रख देंगे, कोई अलग से रेस्ट होने करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी देर में हम दाल की पिट्ठी रेडी करेंगे उतनी देर के लिए रेस्ट करना काफ़ी है। इसको हम ढक करके रख देते हैं। पिट्ठी की अलग से भी रेसिपी मेरी देख सकते हैं। यहाँ मैंने पहले बारीक बारीक हरी मिर्चों को काट लेती हूँ, क्योंकि बहुत मैं शॉर्टकट आपको बनानी बता रही हूँ पिट्ठी इसमें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। पिट्ठी की मैंने अलग से रेसिपी भी शेयर की हुई है, उसको आप फुल देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और यहाँ ये सौंफ का पाउडर इसमें बहुत ज़रूरी है, ये मैंने सौंफ भी डाल लिए। सब चीज़ों को एक साथ कर लेंगे ताकि फूलने में हमें कोई दिक्कत ना हो। सबसे ऊपर बाद में दाल डालेंगे, लाल मिर्ची डालेंगे, लाल मिर्ची डाल दी है, सूखा धनिया डालेंगे, सूखा धनिया, हींग डालेंगे, हींग इसमें थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, हींग डाल दिया, और नमक अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे। जितनी हमारी दाल है, क्योंकि आटे में भी नमक है, तो ये मैंने नमक डाल लिया। अब हम दाल को इसमें डाल के पीस लेंगे। थोड़ा गरम मसाला डालेंगे इसमें, कसूरी मेथी डालेंगे। अब पीस के इसको थल थला पीसना, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, और अगर ज़्यादा बारीक पसंद है तो ज़्यादा बारीक पीस सकते हैं। एक साथ भुन जाएगा सारा हमारा कढ़ाई में, चाहे तवे पे। यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया, और जो दाल पीसी थी उसको हम इसमें डाल देंगे। सारे मसाले हैं, सिर्फ हमको इसको भूनना है।
कभी इंस्टेंट बनानी हो पिट्ठी तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, जल्दी से जल्दी बन जाती है। ये दाल हमारी भुन गई है क्योंकि ये हमारे आटा कचौरी बना रहे हैं तो इसको हम ज़्यादा हार्ड नहीं करते हैं, और ठंडी होकर थोड़ी सी और टाइट हो जाएगी। चलिए अब स्टफिंग करते हैं, कचौड़ी बनाते हैं। यहाँ मैंने सरसों का तेल चढ़ा दिया गर्म होने, अब कचौड़ी की स्टफिंग कर लेते हैं। यहाँ हम थोड़ा सा घी का हाथ लगा लेंगे, और पहले ही मैंने आपको बताया आटे में सिर्फ थोड़ा सा आटा पीछे लगा देना चाहिए, बरकत के लिए होता है। और हम पेड़े बना लेंगे, और जितनी ज़्यादा स्टफिंग भरते हैं उतनी ही कचौड़ी स्वाद बनती है, कम स्टफिंग की कचौड़ी तो अच्छी भी नहीं लगती है। तो ये हमने पेड़े बना लिए हैं स्टफिंग करके, मैं फिर आपको बता देती हूँ। इस तरीके से हम कटोरी टाइप से बना लेंगे, साइडों से पतला और बीच से मोटा, साइडों को हमें फैलाना होता है, और इसको इस तरीके से रख देंगे और फिर इसको बंद कर देंगे। बस हो गई कचौड़ी, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई भी बिगनर इसको बना सकता है। इसी तरीके से हम भर लेंगे, और इनको बेल करके भी बना सकते हैं और हाथ से भी बना सकते हैं। मैं हाथ से ही बनाती हूँ इस तरीके से, चलिए अब सेकते हैं। आप चकला बेलन से ही बना सकते हैं, बहुत हल्के हाथ से बेलना होता है। और ध्यान रहे इसको बहुत हाई फ्लेम पर नहीं डालना है, लो मीडियम फ्लेम पर डालना है। हाई फ्लेम पर डालेंगे तो इसकी जो ऊपर की परत है वो नरम हो जाएगी और जल भी सकती है। हमें एक क्रिस्पी और एक फिनिशिंग लानी है, सफाई लानी है पूड़ी को, कचौड़ी को तलते हुए। बहुत से इसको आटा पूड़ी भी बोलते हैं, दाल पूड़ी भी बोलते हैं, हम इसको दाल की कचौड़ी बोलते हैं। तो इसकी फिनिशिंग के लिए हमें बहुत हाई फ्लेम नहीं करनी होती है। देखिए कलर बहुत अच्छा आया है, तो इस तरीके से हम कचौड़ियाँ सेक लेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप हर फेस्टिवल, हर सर्दी के मौसम में जब भी आपका मन करे इसे बना करके खाइएगा।